गाइस फाइनली रिपोर्ट अपने हाथ पे है। ओके तो ऑलमोस्ट सब कुछ करके देख लिया बट अभी तक हमारा बीमार ठीक नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि एक बार ब्लड टेस्ट करवा ही लेते, पता नहीं क्या कैंसर भी निकल सकता है। सो अभी हम जा रहे हॉस्पिटल विद राजगुरु। राज भी काफी दिनों से बीमार है, बीच में ठीक हो गया था बट चिकन खाने की वजह से फिर से बीमार उसका ज्यादा हो गया। सो अभी हम जा रहे हॉस्पिटल, देखेंगे क्या निकलता है रिपोर्ट पे। कोरोना वरोना निकल जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ये तो लाइक बीमार होने से भी हेल्दी रहता है, मतलब देखने में एकदम। मैं जब बीमार पड़ता हूँ तो मैं पतला हो जाता हूँ बट ये जब बीमार पड़ता है तो ज़्यादा मोटा हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा। चलो राज चलते हैं और अपना इलाज करवाते हैं फट से फट। यही होता है जब आप लोग मतलब ये वो नहीं खाते, तो आप लोग प्लीज़ ये वो सब कुछ खा लेना ताकि हम जैसे बीमार ना पड़े। तो हम भी सोच रहे हैं कि सब कुछ खा ही लेते हैं बीमार बीमार अपने से। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं है क्लिनिक है जैसे कि आप देख पर लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे। तो चलिए अंदर चल के देखते डॉक्टर साहब है कि नहीं, खुला तो है। तो चलिए एज एक्सपेक्टेड डॉक्टर अभी तक आया नहीं है बट ब्लड टेस्ट हो जाएगा। सो एनीवे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचआरजी व्लॉग्स, आई हैव अ गेस्ट डूइंग गुड। सो वेट करते टेस्ट करवा लेते, उसके बाद फिर से टेस्ट करवाने के बाद मिलते। आप लोग को बेसिकली शायद क्लिनिक के लिए बनाया हुआ है बट जैसे कि आप देख पा रहे टोटली प्लाईवुड का हेल्प से बनाया गया है और अपना भी इसी टाइप का एक सेटअप बनाने का मन है जैसे कि आप देख पा रहे। वाओ इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। तो गाइस फाइनली रिपोर्ट अपने हाथ पे है और जो डर था वही हुआ, नेगेटिव है रिजल्ट जैसे कि आप देख पा रहे। सो मेरे को कोई टाइफाइड वाइफाइड है नहीं, शायद वायरल फीवर होगा तो उसके लिए एक दो एंटीबायोटिक प्लस दवाएं हमने लिया है, आई होप वो काम कर जाएगा। तो एक दो दवाई हमें अभी यहाँ पर नहीं मिला है तो हम लोग सुखानंद जा रहे हैं अभी। तो चलिए तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं उकाजन का रास्ता बन रहा है, सिंस नुमल मोमिन आ गया है हमारे यहाँ पे। तो दवाई ढूंढ रहा हूँ, दवाई हमें मिला नहीं अभी तक और बीमार का कुछ आता पता नहीं है। सोचा था कि टाइफाइड निकलेगा बट टाइफाइड भी नहीं निकला। अभी हम है सरेजन मार्केट पे और यहाँ पे मिस्टर राजगुरु स्कूटी लेने का प्रिपरेशन कर रहा है। मॉडल सुजुकी नतुन 2021 नहीं की BS6 मॉडल। सो आजकल हैंड सैनिटाइज करना बहुत जरूरी हो गया, स्पेशली जब आप बाहर से आ रहे हो तो प्लीज अपना हाथ सैनिटाइज कर लीजिएगा, नहीं तो साबुन से आप हाथ धो सकते हो। और भाई तो हम पहुंच गए अपना घर और रिपोर्ट ऑलरेडी आपको दिखाई चुका हूँ, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो इस पे किया गया था टेस्ट और रिपोर्ट आया है नेगेटिव। एनीवे डॉक्टर था नहीं वहाँ पे कंसल्ट करने के लिए, तो इसकी वजह से हम अपने एक आंटी को फोन किया जो कि फार्मेसी रन करती है, तो उन्होंने कुछ दवाई हमें सजेस्ट किया जैसे कि आप देख पा रहे ये वाला एंटीबायोटिक है प्लेन और एक ये जिब्रोल
पी बुखार के लिए प्लेन नॉर्मल वाला, और एक है विटामिन सी टैबलेट, नाम है लिमसी। अगर आप लोग का विटामिन सी कम है तो आप लोग ये ले सकते हो, रिकमेंडेड बाय एसजीआरजी ब्लॉग्स। और मम्मी ने भी कुछ सिरप हमें सिरप देने के बाद बोली कि ये पियो, उसका बाद तुम्हें ज़्यादा भूख लगेगा। आई होप सो। एनीवे ये दवाई को 4-5 दिन खा के देखता हूँ, आई होप ये काम कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और सोचा था कि टाइफाइड निकलेगा, बट टाइफाइड नहीं निकला, तो इसको खा के देखता हूँ। और हालांकि बुखार इतना ज़्यादा हाई नहीं है, ऑलरेडी लास्ट ब्लॉग को बता चुका आप लोग को, थोड़ी थोड़ी बुखार है और इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो फुल्ली इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे थे, तो उसकी वजह से हमने सोचा कि एक बार टेस्ट करवा ही लेते, बट टेस्ट में भी कुछ निकला नहीं है। तो 4-5 दिन इसी दवाई को खा के देखेंगे, आई होप काम कर जाए और अपना हेल्थ पहले जैसा हो जाए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और वैसे भी अभी सीजन ही कुछ ऐसा है, बीमार होना सीजन है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वाले ब्लॉग अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज जो भी करो दिल से करो। और नेक्स्ट वाले ब्लॉग शायद हमारे राजगुरु स्कूटी लेने वाले हैं, तो शायद नेक्स्ट ब्लॉग वही बनने वाली है। आई डोंट नो, मे बी मे नॉट बी, बट एक ब्लॉग जरूर बनने वाली है। तो चलिए बाय।